सबै भूमि गोपाल की, ये सारी धरती हमारी है। ये आत्मसात जिस दिन आप कर लेंगे, आपको पता है कि ये अक्रांता है, ये हमारी धरती को छल से बलपूर्वक कैसे भी ले रहा है, उसको कैसे रोकना है। वक्फ बोर्ड 95 में आ गया, उसके पहले मस्जिदें हो गई, उसके पहले मुगल बादशाहों के किले हो गए, फिर मजार पैदा हो गई, फिर अब लेटेस्ट जो चीज़ चल रही है वो कब्रिस्तान है। बीच में एनजीओज आ जाती हैं, एक बड़ी एनजीओ है यूएनएचसीआर, रिफ्यूजियों को पढ़ाओ जी, इनको ह्यूमन राइट्स दीजिए, रोहिंग्या को भी पालने के लिए हमको बोलते हैं, सीवर दे दीजिए, पानी दे दीजिए, उसके बाद वहाँ पे एक मस्जिद आ जाती है। वो जगह तो चली गई, हमारी जगह गई ना, और ऐसे आदमी को गई जो कहीं और जगह का है। तो ये जिहाद का एक रूप है। दूसरा एक और जो अभी वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, आपकी कॉलोनी में कोई आकर एक महंगा मकान खरीदता है अच्छी जगह पर, लोग बेच देते हैं, पहला आदमी बेच देता है, दूसरा कहता है एक ही तो आया है क्या होगा, लेकिन आप देखिएगा थोड़े दिन बाद उसके पड़ोस का मकान बिक जाता है, फिर थोड़े दिन बाद उसके पड़ोस का मकान बिक जाता है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि आपके हाथ से बात निकल चुकी है, अब कैराना बनेगा ही बनेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, मुरादाबाद अभी बन रहा है, या हैदराबाद भी आप जाकर देख लें, पुरानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी ये सच्चाई है, तो आपको इस पर निगाह रखनी है। तो इन चीज़ों को देखना है, अगर गलत अलॉटमेंट आपको पता लगती है तो प्रोटेस्ट करना है। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।